नमस्कार। जन्म जन्मांतर की गरीबी निर्धनता को दूर कर देती है। षट तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। षट तिला एकादशी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षट तिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन दोपहर बाद 16:07 से द्वादशी तिथि आ जाएगी। इसलिए एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। षट तिला मैंने 6 तिलों का यह व्रत है। 6 प्रकार के तिल क्या होते हैं, इसमें क्या महत्व होता है जानते हैं। 6 तिलों में सबसे पहले है तिल स्नान। इस दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान के जल में तिल मिलाएं, उसका स्नान करें। दूसरा है तिलों का उबटन। रात्रि को तिल भो करके उसका पेस्ट बना लें और मुख पर हाथ पर लगा करके उबटन करें, मलें और फिर स्नान करें। फिर है तिलोदक, यानी उदक कहते जल को, तिल युक्त जल का सेवन करें। अपने पीने के पानी में कुछ तिल डाल लें, उसका ही सेवन करें। और 4 है तिल का भोजन। इस दिन तिल से बने पदार्थों का भोजन करें, मिष्ठान लड्डू आदि खाएं। जब प्राण करते हैं तो तिलों से युक्त भोज्य पदार्थ बना करके उसका सेवन करें। और 5वां है तिलों का हवन। तिलों के सामग्री से हवन करना चाहिए। इस दिन हवन का बहुत महत्व है, और हवन में भी तिलों का हवन करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और लक्ष्मी प्राप्ति होती है। और अंतिम है 4th नंबर है तिल का दान। इस दिन तिल का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया कि जितने तिल इस दिन जो व्यक्ति दान करता है उतने ही वर्षों तक वह स्वर्ग में सुख भोगता है, ऐसा माना गया है। इस वर्ष की छठ तिला एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। मंगलवार का दिन है और मूल नक्षत्र है। इसमें एकादशी का आना बड़ा ही दुर्लभ माना जाता है। यह बहुत ही शुभ तिथि है, इसलिए इसका व्रत सब भक्तों को जन्म जन्मांतर की दरिद्रता, अभाव, ताप से मुक्ति प्राप्त कराता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु पूजा करें। उसमें नैवेद्य फल, तिल से बने पदार्थ, मिष्ठान आदि का भोग लगाए। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, विष्णु विश्वतुई और विष्णु की आरती करें। इस प्रकार से शाम के समय अथवा अगले दिन एकादशी व्रत का प्रारण करें। इस प्रकार से करने से इस एकादशी का संपूर्ण फल मिलता है। धन्यवाद।